Guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our question answers of unit number 3 section number 2 which is Pepper the Phantom Pet. ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्क्राइब पियास पेट के. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एमसीक्यूज है कि हमें एक ऑप्शन चूज करना है जिससे हम लोग पिया के पेट को डिस्क्राइब कर सके कि पिया का ओरिजिनल पेट फैंटम पेट जो उसके इमेजिनेशन में था वो क्या था, वो एक कैपुचिन मंकी था. बट हमें क्या बताना है जो उसका ओरिजिनली पेट है वो क्या है, वो एक स्ट्रीट डॉग है. उसने बताया था ना कि वो मतलब गंदा सा है, ठीक है. सो पियाज ओरिजिनल पेट इज अ स्ट्रीट डॉग. एंड अगर आपको पूछा गया कि डिस्क्राइब पियाज इमेजिनरी पेट पेपर में, अगर ऐसा आ गया तो यू विल टेक अ कैपुचिन मंकी. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट इज द मूड ऑफ द क्लास व्हेन द टीचर एंटर्स. कि क्लास का मतलब क्या सिचुएशन है, क्या क्लासरूम का एनवायरनमेंट है जब टीचर एंटर करती है. तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्या मतलब पूरा ऐसा शोर मच रखा था क्लास में. ठीक है, क्लास वॉज क्योटिक. क्योटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा शोर था क्लास में. ठीक है, मच शाउटिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ पेपर्स, चेयर्स, फ्लिंगिंग ऑफ पेपर्स. स्क्रैपिंग मतलब चेयर्स को आगे पीछे करना जिससे नॉइज़ क्रिएट होती है ना. जब भी आप डिनर के टेबल पर उठते हो तो जो स्क्रैपिंग होती है चेयर्स की, कि चेयर को पीछे करके हटते हो, उससे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो थोड़ा सा अनोइंग होता है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स हो रही है. ठीक है, चेयर्स को आगे पीछे करा जा रहा है. फ्लिंगिंग ऑफ पेपर्स, कोई पेपर कहाँ फेंक रहा है, कोई पेन कहाँ फेंक रहा है, कोई पेंसिल कहाँ फेंक रहा है. मतलब एक जनरल क्लासरूम पेंडेमोनियम. पेंडेमोनियम मतलब एक इन्वायरमेंट या फिर एक सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो, एक्टिविटी हो, कन्फ्यूजन वगैरह हो. ठीक है, जनरल क्लासरूम पेंडेमोनियम. जनरल मतलब जो कॉमन सा जब आपको दिखने को मिल जाता है जब टीचर क्लास में नहीं होती है. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आर इवन फाइटिंग ओवर पेन्स. हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पेन के ऊपर लड़ाई कर रहे थे कि मैम मैम उसने मेरा पेन ले लिया, है ना. सो दिस इज़ अवर आंसर कि जो क्लास थी वो क्योटिक थी. क्लास वॉज क्योटिक, मच शाउटिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड फ्लिंगिंग ऑफ पेपर्स एंड पेंसिल्स. इट्स अ जनरल क्लासरूम पेंडेमोनियम एंड स्टूडेंट्स आर इवन फाइटिंग ओवर पेन्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द टीचर डील विद द सिचुएशन. कि टीचर मतलब कैसे डील करते हैं सिचुएशन से कि इतना शोर मच रहा है. ठीक है, क्लास को काम डाउन करने के लिए टीचर क्या बोलती है, क्या देती है, वो सुझाव क्या देती है. वो मतलब ऐसा तय करती है कि चलो डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा एंड सारे चुप करके चुप हो जाएंगे. ठीक है, सो शी डिसाइड्स टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स टू काम द क्लास. ठीक है, कि मतलब वो क्लास को शांत करने के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात करने का सोचती है. द नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज़ पियाज रेपुटेशन इन क्लास. रेपुटेशन मतलब क्या, मतलब क्या उसका एक इमेज है. ठीक है, कि उसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, मतलब उसके एक क्या खूबी है जो सबको पता है. सो इट इज़ दैट ऑल क्लास थिंक्स दैट शी इज़ अ एनिमल एक्सपर्ट. एन आएगा यहाँ पे, शी इज़ एन एनिमल एक्सपर्ट एंड नोज एवरी थिंग अबाउट एनिमल्स. कि सारी क्लास ये सोचती है कि वो एक एनिमल एक्सपर्ट है, उसको सब कुछ पता है एनिमल्स के बारे में. ठीक है, उनका खाना पीना, ठीक है, खाना पीना हो गया, कौन सी ब्रीड का ये वो. ठीक है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के रहन सहन के बारे में. द नेक्स्ट वन इज दैट व्हाई शी वरिड व्हेन द टीचर मेक्स एवरी स्टूडेंट्स टॉक अबाउट हिज और पेट. इज हर वेरी जस्टिफाइड. कि मतलब पिया मतलब एकदम शॉक में क्यों आ जाती है, वो इतनी टेंशन क्यों लेने लगती है जब टीचर बोलती है कि चलो आज हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, पेट एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, इज हर वेरी जस्टिफाइड. कि क्या मतलब उसका ऐसे परेशान होना, क्या वो सही है. सो द आंसर इज दैट पिया वॉज वरिड बिकॉज शी हैड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू शेयर विद द क्लास. कि उसके पास कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा, कि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि हाँ मैंने ड्रैगन पाला हुआ है. ठीक है, उसके पास एक नॉर्मल सा डॉग था एंड वो भी मतलब कोई अच्छी वगैरह ब्रीड का नहीं था. इट वॉज अ मट, मतलब वो स्ट्रीट डॉग ही समझ लो एक टाइप का. ठीक है, मतलब काफ़ी गंदा सा रहने वाला डॉग था वो. सो पिया इसलिए वरिड थी क्योंकि उसके पास कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था क्लास को बताने के लिए. अभी पूरी क्लास तो समझती है कि वो एक एनिमल एक्सपर्ट है. ठीक है, उसके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ही, बट उसके पास कुछ भी मतलब खास चीज़ नहीं थी कि वो क्लास को बता सके कि हाँ मेरे पास ये है एज अ पेट. एंड शी थॉट एवरी वन वुड लाफ एट हर इफ शी टोल्ड देम अबाउट हर सिली डॉग. एंड वो क्या सोचती है कि पूरी क्लास मुझ पर हंसेगी अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे पास एक स्ट्रीट डॉग है या फिर मेरे पास एक बड़े गंदा सा डॉग है एज अ पेट. ठीक है, ये सर्वजी वॉज जस्टिफाइड. अभी सोचो क्या होगा अगर आपकी क्लास में प्रिंसिपल आ जाए एंड आप ऐसे ही क्या बोलते हो कि आप
किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो रेपुटेशन है क्लास में गिर जाएगी ना, क्योंकि सारी क्लास सोचती है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो बट यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, तो सारी क्लास क्या सोचेगी कि ऐसे तो ये तो ऐसी फेक रही है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए उसकी जो वरी है वो जस्टिफाइड है, बिकॉज वो सोच रही थी कि सारी क्लास उसका मजाक उड़ाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज पिया डू व्हेन इट इज़ हर टर्न, कि पिया क्या करती है जब उसकी टर्न आती है, कि जब टीचर उसको बोलती हैं कि आप बताओ अपने पेट के बारे में, सो शी लाइड अबाउट हैविंग अ कैपुचिन मंकी हुम शी कॉल्ड पेपर, तो वो झूठ बोल देती है कि मेरे पास एक मंकी है जिसका नाम पेपर है, ठीक है, वो झूठी बोलती है ना, उसके पास कोई भी मंकी वगैरह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट हाउ डज पिया लाई अबाउट हैविंग अ कैपुचिन मंकी लीड टू मोर ट्रबल फॉर हर, कि पिया ने जो झूठ बोला था कि मेरे पास एक कैपुचिन मंकी है, उससे मतलब उसको और ट्रबल कैसे हुआ, कि मतलब क्या बोल सकते हो कि वो और मुसीबत में कैसे फंस गई। तो इसका आंसर आएगा कि पियाज लाई अबाउट हैविंग अ कैपुचिन मंकी एक्साइटेड द स्टूडेंट सो मच दैट दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट पिया ब्रिंग हर मंकी टू स्कूल। पियाज लाया मतलब पिया ने जब भी झूठ बोला ना कि मेरे पास एक कैपुचिन मंकी है, तो ऑब्वियसली अभी ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही जाते लीश से बंधे हुए मंकीज को देख सकते हो, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हैविंग अ मंकी एज अ पेट इज वेरी अनयूजुअल, तो इसीलिए सारी क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई एंड वो टीचर को बोलती है कि मैम पिया को बोलो वो अपने पेट को स्कूल में लेके आए, ठीक है। हमको भी देखना है कि कौन सी ये पूरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी ब्रीड है, ठीक है, हमको भी देखना है। सो द टीचर फर्दर आस्क्ड द स्कूल फॉर परमिशन, शी वॉज इन ट्रबल बिकॉज द मंकी डजंट एग्जिस्ट। तो फिर टीचर क्या करती है, वो प्रिंसिपल को जाके सीधा बोलती है कि सर पिया को क्या परमिशन मिल सकती है स्कूल में मंकी लाने को। तो जब टीचर ये बताती हैं प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल आके पिया को फिर बोलता है कि लेट मी हैव योर पेरेंट्स नंबर, आई वांट टू कॉल देम एंड आस्क अबाउट योर पेट, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, पिया और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है कि जब वो लाए करती है, जब वो ये झूठ बोलती है कि उसके पास एक कैपुचिन मंकी है, और उसके पास तो मंकी है ही नहीं, तो फिर क्लास ओवर एक्साइटेड हो जाती है, वो टीचर को बोलती है कि मैम लेट पिया ब्रिंग हर मंकी टू स्कूल, देन द टीचर फर्दर गोज टू द प्रिंसिपल टू आस्क परमिशन एंड प्रिंसिपल आस्क पिया फॉर हर पेरेंट्स मोबाइल नंबर सो दैट ही कैन कॉल हर पेरेंट्स एंड आस्क फॉर द परमिशन टू ब्रिंग द मंकी। सो दिस इज आवर आंसर, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन। Next is that note that in certain parts of the play, Pia addressed the audience and not the characters in the play. She confides us that she is lying and trying to gain our sympathy. Does she succeed? तो क्या होता है कि कुछ मतलब ऐसे parts हैं इस play में, अभी देखो आपने जैसे chapter पढ़ा, हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे parts हैं जिसमें Pia मतलब play में नहीं है, वो downstage जाके बात करती है ना audience से जो बैठ के play को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो हमारी सिंपथी गेन करने की कोशिश करी है, कि वो हमें अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करी है कि यहाँ पे झूठ बोलना ज़रूरी था इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। तो क्या उसने हमारी सिंपथी पाई, कि क्या उसने मतलब हमसे रिलेट किया, कि क्या हमने उससे एक कनेक्शन फील किया कि हाँ मतलब इसका झूठ बोलना यहाँ पे जायज़ था। तो ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको उसकी तरफ सिंपथी फील हुई, उसके लिए थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि उसकी रेपुटेशन चली जाएगी ऐसा वगैरह, कि उसका झूठ बोलना सही था, देन यू कैन राइट येस, एंड इफ नो यू डोंट थिंक दैट शी शुड हैव लाइड, यू विल राइट नो बेस्ड ऑन रीडर्स ओपिनियन, जो भी आपने समझा इस चैप्टर में, ठीक है, कि आपकी खुद पे अंडरस्टैंडिंग पे वो बेस है, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है, कि पिया ने हमारी संपत्ति गेन की या फिर नहीं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू द फॉलोइंग पीपल फाइंड आउट दैट शी इज लाइंग, अभी देखो यहाँ पे क्या आपको एक पहला था कि टीचर ने फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल ने फाइंड आउट किया, स्टूडेंट्स पे, ये भी आपकी खुद पे अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस है, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, बिकॉज अभी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये आपको खुद फाइंड करना है कि अगर टीचर को लगता है कि आपको टीचर ने फाइन किया कि पिया झूठ बोल रहा, तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं तो नो लिखोगे, देन अगर प्रिंसिपल को पता चले, इन माय ओपिनियन, जहाँ तक मुझे समझ लगा इन माय ओपिनियन, ठीक है, आप अगर आंसर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, टीचर का मैंने लगाया था मे बी कैनॉट टेल, कि उसको पता चला नहीं पता चला, आई कैनॉट टेल, द फर्स्ट वन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को पता चला कि वो झूठ बोल रही थी, सो यस इन माय ओपिनियन। देन द नेक्स्ट वन इज़ द स्टूडेंट्स,
कि उसके जो भी क्लासमेट्स थे दैट इज़ ऑल्सो येस, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अपने ओपिनियन के हिसाब से. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट एक्सक्यूज डिड पिया गिव फॉर नॉट वांटिंग हर पेरेंट्स टू बी कॉल्ड. एक्सक्यूज़ मतलब बहाना बनाना, कि पिया ने क्या बहाना बनाया कि मेरे पेरेंट्स को आप कॉल क्यों नहीं कर सकते. सो उसने बोला कि शी सेड दैट बोथ हर पेरेंट्स हैड इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, कि उसके दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं और उनकी आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आप उनको आज कॉल मत करो वरना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. शी सेड अनदर लाई, ठीक है, उसने एक और यहाँ पे झूठ बोला. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेंस फॉर हर ब्रदर, डज ही हेल्प हर. येस, वो हेल्प करता है ना पिया की, ये बोल के कि सर जो मंकी है हमने उसे वापस भेज दिया, कि बिकॉज पिया बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती थी एंड बीमार पड़ जाती थी, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज़ दैट डज ही सैटिस्फाई द प्रिंसिपल. नो, ही डज नॉट सैटिस्फाई द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल को पहले ही पता चल गया था कि पिया झूठ बोल रही है, बट जो उसका ब्रदर था, जो पिया का ब्रदर था, वो सैटिस्फाई नहीं करता प्रिंसिपल को. उसका ऐसा लगता था प्रिंसिपल को कि इसका ब्रदर सच बोल देगा, कि पिया के पास मंकी है ही नहीं, हमारे पास मंकी है ही नहीं. सो नो, ही डज नॉट सैटिस्फाई द प्रिंसिपल. सो दीज वॉज अवर क्वेश्चन आंसर्स, दीज वर अवर क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड देम वेल. इफ यू हैव एनी डाउट्स लीव इट इन द कमेंट्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.